शहनाज गिल फिर लौटी अपने पुराने अंदाज में। यशराज मुखाते के साथ वीडियो हो रहा है वायरल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉन पर। शहनाज गिल अब वापस अपने पुराने अंदाज में आ रही है। शहनाज जो पहले हमेशा मस्ती करती रहती थी, वो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शांत हो गई थी। वहाँ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं रहती थी, ना कहीं बाहर पब्लिक प्लेस में जाती थी। लेकिन अब एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आपको पुरानी चुलबुली शहनाज गिल दिखने वाली है। इस वीडियो में उन्होंने सोशल मीडिया स्टार यशराज मुखाते के साथ कोलैबोरेट किया है। वीडियो की शुरुआत शहनाज गिल के बिग बॉस के दौरान के एक वीडियो से होती है। शहनाज कहती है, यार कितना बोरिंग दिन है और कितने बोरिंग लोग है। आरती सिंह भी उस वक्त शहनाज के साथ नजर आ रही है। फिर शहनाज के इस डायलॉग के साथ यशराज का अपना म्यूजिक और सिंगिंग टैलेंट दिखाते हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब यशराज के साथ शहनाज आती है और वहाँ अपनी लाइन्स खुद गाती है। इस दौरान शहनाज ने ब्लैक कलर की टी शर्ट और जींस पहना है। वैसे आप शहनाज का पुराना वीडियो और अभी का वीडियो देखेंगे तो आप भी एक्ट्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान रह जाएंगे। शहनाज ने कितना वजन कम कर लिया है। यशराज और शहनाज दोनों ने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बता दें कि शहनाज लास्ट फिल्म हौसला रख में नजर आई थी। इस पंजाबी फिल्म में शहनाज के साथ दिलजीत दोसांझ और सोनम बावजा लीड रोल में थे। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। कमाई भी फिल्म ने अच्छी कर ली थी। बता दें कि ये फिल्म सिद्धार्थ के निधन के कुछ दिनों बाद रिलीज हुई थी। शहनाज इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले वो ज़्यादा जोर शोर से इसका प्रमोशन नहीं कर पाई थी। कुछ दिनों पहले शहनाज गिल ने पॉपुलर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ नया फोटोशूट कराया था, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। शहनाज ने लंबे समय के बाद एक ग्लैमरस फोटोशूट करवाया था और फैंस को एक्ट्रेस को इस रूप में देखकर काफ़ी खुशी हुई थी। अभी शहनाज ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। फैंस को उनकी फिल्मों और गानों का इंतजार है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।